हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से लवी सिंह लव व्लॉग में। आज है दिन शनिवार 9 जुलाई 2022 और टाइम हो गया सुबह के 5 बजे का। और आप देख रहे होंगे चेतन और लवी कर रहे हैं नाश्ता, क्योंकि हम लोग निकल रहे हैं अभी सुबह सुबह मथुरा वृंदावन के लिए। तो चलिए गाइस, आगे बताता हूँ मैं आपको। तो हम लोग हो गए हैं रेडी, अभी आपने देखा लवी और चेतन ने चाय वाय पी रहे थे बैठ के, उनको खिला पिला दिया और हम लोग निकल रहे हैं अभी वृंदावन मथुरा के लिए। घूमने जा रहे हैं इधर गाइस, चीकू भी आ गया और नमस्कार जी, कैसे हो? बढ़िया जी, बढ़िया। तो सुबह का टाइम है और काफी अच्छा मौसम है, सुबह सुबह तो अच्छा ही होता है। चलिए गाड़ी में बैग रख देते हैं और निकलते हैं। और ये है लवी, इसको भी डाल देते हैं अंदर। चलो भाई, चलो निकलो जल्दी। बोला बोला और बाय। चलो चले लवी, बाय। बोलो राधे राधे। I'm sorry for the change in the things I say. It's not that I don't notice, to me it's still the same. If I don't show a sign, I'm leaving my love blind, expecting you to read my mind. Well, I hope that you know that I hear that I don't let it show. माची को क्या कर रहा है? तो गाइस, अभी हम लोग रुक गए हैं ढाबे पे, ठीक है, शिवा ढाबा है हाईवे रोड पे, और समय हो गया है सुबह के 7:30 बजे का। क्या नहीं दबाना? बटन तो अभी हम लोग शिवा ढाबे पर बैठे और हमने नाश्ता पानी किया और अब हम लोग निकल चुके हैं आगे वृंदावन की यात्रा पे। अभी यहाँ से 60 किलोमीटर की और यात्रा बाकी है, तो चलिए गाइस निकलते हैं आगे। तो गाइज़ हम लोग पहुंच चुके हैं वृंदावन धाम के बिल्कुल नज़दीक और हमने वृंदावन में एंटर कर लिया है। अंदर एंटर करते ही आप सीधे हाथ की तरफ देख पाएंगे माँ वैष्णो धाम टेंपल, जो कि काफ़ी सुंदर बनाया गया है। और अभी हम लोग यहाँ नहीं जा रहे हैं, क्योंकि हम लोग आते हुए देखेंगे यहाँ पे। अभी हमें होटल लेना है सबसे पहले, धर्मशाला आश्रम जो भी मिलता है सबसे पहले हम वो लेंगे, और ये बच्चे साथ में। ओए गेट बंद करते, एसी चल रहा है। तो अच्छा रूम है, ठीक है, हम लोग सारे आ जाएंगे इसमें। लाइन से एकदम बेड बिछा हुआ है यहाँ से लेके, सात बंदे हैं जिसमें से 3 तो बच्चे ही हैं, 4 बंदे हैं। अभी हम निकलते हैं बांके बिहारी मंदिर और उसके बाद चलेंगे, देखते हैं पूरा वृंदावन घूमते हैं और आपको भी दिखाते हैं वृंदावन के मंदिर घर बैठे।
सो गाइज़ आपने देखा हमने रूम ले लिया है, काफ़ी देर बाद हमें रूम मिला है क्योंकि बुकिंग काफ़ी ज़्यादा है, सेकेंड सैटरडे और संडे की छुट्टी थी तो काफ़ी भीड़ है, काफ़ी रश है यहाँ पे। चलिए अभी चलते हैं। ओ आराम से लेटो, घूमो फिरो। धूप नहीं है, सबसे अच्छी बात यही है। आ जाओ चलते हैं। सो गाइज हमें वहाँ पर हमारे एक सब्सक्राइबर भी मिले जो कि थे इस आश्रम के ही मैनेजर, तो ये है कृष्ण कृपा आश्रम जहाँ हम रुके थे। इस आश्रम में फैमिली के रुकने के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था है और काफ़ी रिजनेबल प्राइस भी है। तो जिस आश्रम में हम रुके थे वो प्रेम मंदिर के बिल्कुल सामने अपोजिट में था, तो हमने वहाँ से रिक्शा लिया और अब हम लोग निकल गए हैं बांके बिहारी मंदिर के लिए। तो चलिए आगे आपको दिखाते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा रामा हरे हरे। तो बांके बिहारी मंदिर जाते समय हमारे बाएं हाथ की तरफ ही हमें दिखा इस्कॉन टेम्पल जहां हम शाम के टाइम आएंगे। ठीक है चलता है, रुकता नहीं है। दिल्ली में हवा नहीं लगती, हवा तो लग रही है। चलें आ जाओ चलो। अभी दिखाइयो जरा तू कैसी लग रही है। सो गाइज हम लोग पहुंच चुके हैं बांके बिहारी मंदिर। कैमरा अलाउ ना होने के कारण मैं अंदर की वीडियो तो नहीं बना पाया, लेकिन एक छोटी सी क्लिप जिसमें आप देख सकते हैं काफी ज्यादा रश है, बहुत ज्यादा भीड़ है। कहाँ है वो? आगे सारे आगे आगे, बढ़िया हो गया। हाँ मस्त जय जय श्री बांके बिहारी मंदिर। दिखाए लवी, बहुत भीड़ है लवी, बहुत भीड़ है ना। तो अभी हम लोगों ने बांके बिहारी जी के दर्शन कर लिए हैं और अब हम निकल चुके हैं अगले पड़ाव की ओर जो कि है राधा वल्लभ जी मंदिर। और अब हम पैदल ही निकल चुके हैं वृंदावन की गलियों से होते हुए राधा वल्लभ जी मंदिर की ओर। और काफ़ी खूबसूरत मार्केट है यहाँ पे, काफ़ी सुंदर मार्केट है और मार्केट में आपको पता भी नहीं लगेगा आप कितनी आराम से कितनी जल्दी जल्दी आप दूसरे मंदिर तक पहुँच जाते हैं, मतलब आपको थकान महसूस नहीं होती बिल्कुल भी। आप चलते चले जाएंगे, यहाँ के दृश्य देखते जाएंगे और दुकानें काफ़ी खूबसूरत हैं। तो चलते चलते हम लोग पहुंच चुके हैं राधा वल्लभ जी मंदिर और अभी हम लोग चलते हैं आपको दर्शन कराते हैं अगर मोबाइल अलाउ हुआ तो।
परिक्रमा दो, परिक्रमा। तो गाइस दिन के बज चुके हैं 12 और वृंदावन के ज़्यादातर मंदिर 12 बजे बंद हो जाते हैं और अब शाम को खुलना शुरू होंगे 3:30 से 4 बजे के बाद। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि अभी हम कुछ खा पी लेते हैं क्योंकि हम लोग दिल्ली से ही कुछ खा के निकले थे और अब हम लोग लंच वगैरह करेंगे। तो हम लोग अभी आ गए हैं एक रेस्टोरेंट में। तो भाई बच्चों ने तो मंगा लिया अपने लिए गर्मा गर्म छोले भटूरे और चेतन को तो वैसे ही बहुत पसंद है। तो कैसा है नमक? सही है, तो खा भाई तेरे लिए तो मजा आ गए। हरकतें करता रहता ये एक भटूरे की प्लेट और लगवा दो छोले भटूरे। हाँ भाई चीकू अब क्या खाएगा? मेरे को ज्यादा मिली है, चम्मच भी है क्या? लवी। तो भाई सामने वाली दुकान के भटूरे तो बहुत टेस्टी थे और यहाँ की जो लस्सी है वो तो एकदम मलाई मार के दही मार के एकदम मज़ा आ गया, केवड़ा डाल रखा उसमें मस्त था। तो अब बात ऐसी है कि 12 बज चुके हैं और सारे मंदिर हो चुके हैं बंद। तो हम लोग आ गए हैं यमुना तट पर, यहाँ होती है बोटिंग। आपको यहाँ पे चार्ज किए जाते हैं 100 रुपये पर पर्सन के हिसाब से आपको बोटिंग में करीबन आधा घंटे तक ये आपको पूरे यमुना का चक्कर लगाते हैं और आपको घुमाते हैं। तो इसका भी एक अलग ही एक्सपीरियंस है। तो चलिए देखते हैं, आइए बोटिंग करते हैं। तो बोटिंग करते समय हमारे साथ सबसे अच्छा जो रहा वो रहा कि जुलाई के महीने में भी हमें मौसम काफ़ी अच्छा मिला। आप देख ही रहे होंगे कितनी तेज़ से हवा चल रही है और धूप बिल्कुल भी नहीं है। सबसे अच्छी बात यह है कि धूप नहीं है तो हम बिल्कुल आराम से एंजॉय कर पा रहे हैं इस बोटिंग को। हवा भी लग रही है और वो तो है ही, मौसम धूप नहीं है। इधर देख साकाल जी, बहुत मजा आ रहा है तेरे को। तो गाइस हम लोग अभी कर रहे हैं बोटिंग यमुना जी में और ये सर कोई भी नहीं है, सिर्फ हमारा हम है और हमारी फैमिली है अकेले। वाह, ये बीच में गहरी है जरूरी है।
सो गाइस अब हम लोग पहुंच चुके हैं जमुना तट के बिल्कुल सामने अपोजिट साइड में उस कदम के पेड़ पे जहां कृष्ण जी बैठा करते थे, बांसुरी बजाया करते थे और जमुना जी में यहीं से छलांग लगाया करते थे। पहले यमुना का पानी बिल्कुल यहां तक आया करता था, अब वो बिल्कुल पीछे चला गया और काफ़ी अंदर तक सिमट के रह गया। और आप देख पा रहे होंगे ये पेड़ बिल्कुल हरा भरा है और कितने वर्षों पुराना ये पेड़ है, लेकिन आज भी इसकी टहनियाँ बिल्कुल हरी हरी हैं और पत्ते बिल्कुल हरे हैं बिल्कुल एकदम। सो गाइस आप देख रहे होंगे चेतन काफ़ी हंस रहा है। अभी हुआ ऐसा कि एक व्यक्ति पीछे दुकान है हमारे, उससे दो पेप्सी की बोतल खरीदी उसने, कांच वाली बोतल थी और ढक्कन खुले हुए थे, तो वो पीछे से हमारे ऊपर गिरने लगा था और चेतन को तभी से उस पर हंसी आ रही है और वो अभी व्यक्ति बिल्कुल सामने बैठा हुआ है तो उसको देख के हंसे जा रहा है और उसे उस बंदे को भी पता है लेकिन वो कुछ बोल नहीं रहा था कुछ को। कैसे हो गया था वो। तो गाइस अब इस ब्लॉग का यही एंड करते हैं और अगला ब्लॉग जो रहेगा वो रहेगा निधिवन इस्कॉन टेम्पल और प्रेम मंदिर का, जो कि हम आज ही कंप्लीट करेंगे, लेकिन ब्लॉग मैं उसका डालूंगा अलग से एक और, क्योंकि ये ब्लॉग काफ़ी बड़ा हो गया है। तो गाइस बाय बाय, अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए प्लीज़। बाय बाय गाइस, बाय बाय, थैंक यू सो मच। कौन सा